एक तरफ उदयपुर में कांग्रेस की ओर से शुक्रवार से नव संकल्प चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ है, वहीं इधर बीकानेर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने शिविर के बाद के हालातों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उदयपुर में शिविर के समापन के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन सीएम चेहरे में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने जिले की समस्याओं और फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली और जिला कलेक्टर को पेयजल समस्या दूर करने और टैंकरों की अवैध वसूली रोकने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। चारे की समस्या पर भी अपनी राय रखते हुए कटारिया ने ऋण माफी को लेकर भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को आड़े हाथों लिया। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और बीकानेर के जिला प्रभारी मंत्री हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। बात करते हैं सर, आज समीक्षा बैठक हुई, क्या समीक्षा बैठक में जो हमारी सरकार की जो फ्लेक्सिब योजनाएं थी उन पे खुल के चर्चा हुई और समयबद्ध तरीके से वो कैसे पूरी हो, कुछ में कुछ बातें निकल के आई जहाँ कमियाँ थी, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए वो तुरंत उनको दूर करे और मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट घोषणाएं थी जिनका उसका काम चालू होना है, उसका कार्य चल रहा है गलत गई बजट घोषणा, उनके बारे में भी पानी बिजली सड़क, क्योंकि अभी जो गर्मी पड़ रही है सबसे ज़्यादा समस्या तो पीने के पानी की और पशुओं के पानी की और चारे की है। तो बीकानेर जो जिला है वो बहुत बड़ा जिला है, गर्मी भी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, तो ये कुछ बातें हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा उठाई गई कि यहाँ चारे की भी किल्लत है, गौशालाएँ भी है, पानी की भी कीमत है, पानी के बारे में अलग अलग तरह की हो गई कि बोरिंग या सैंक्शन है पर लग नहीं पाए, तो सब अधिकारियों को निर्देश देंगे तुरंत इस पर कार्रवाई। चारे की यहाँ बड़ी दिक्कत है, चारे चारे की जो रेट है वो बहुत ऊंची है। मैं बता रहा हूँ किस तरह कंट्रोल नहीं, चारे पे पहले से हमने कंट्रोल किया है। आज आप जाओ 15-20 दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी जयपुर में समीक्षा बैठक, उस टाइम चारा 20 रुपये किलो तक पहुँच गया था, आज 10-11 रुपये किलो का रेट हो गया चारे का। मंत्री जी, नहरबंदी के चलते पानी की यहाँ पर बहुत किल्लत है, एक दिन छोड़ के, उसके अलावा टैंकर में अवैध वसूली यहाँ पर खूब हो रही है। ये बात आई ना, मैंने कलेक्टर साहब को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो कल से टैंकर वालों को पकड़ना चालू करेंगे कि ये बात जो आई है बार बार मार्केट से आ रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे पानी की कालाबाजारी हो रही है पीने के पानी की, और टैंकर के दाम एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, जो सरकार ने रेट तय कर रखी है उससे भी दुगने तिगने दाम लिए जा रहे हैं, उस पर कल से कार्रवाई चालू। पिछले दिनों जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकानेर संभाग के दौरे पर थे और उनका कहना था कि जो ऋण माफी वाली बात है वो अभी तक कांग्रेस सरकार पूरी नहीं कर पाई है। देखिए ऋण माफी हुई है, वो एक ही बात को पकड़े हुए नेशनलाइज बैंक, तो हमने भी तो पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, जो नेशनलाइज बैंक है वो रिजर्व बैंक है भारत सरकार के, उसमें बाकी हमने किया है कोऑपरेटिव में भूमि विकास बैंक जो सीसी बैंक है उनके सबके लोन माफ। राजस्थान में इन दिनों कम्युनल रंग में रंगा जा रहा है, चाहे करौली की बात करें चाहे भीलवाड़ा की बात करें, हनुमानगढ़, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राजस्थान के लिए, राजस्थान के निवासियों के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान में हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, राजस्थान हमेशा शांतिप्रिय रहा है, और जो वातावरण अभी बना है और जो बनाया जा रहा है वो हम सबके लिए ठीक नहीं है। मंत्री जी, चिंतन शिविर जो उदयपुर में शुरू हो चुका है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या परिणाम निकल के आने की उम्मीद कुछ कर सकते हैं? देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चिंतन शिविर उदयपुर में चल रहा है जिसकी आज शुरुआत अभी आदरणीय सोनिया जी ने की है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए हमारी जो कमियां हैं, आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी में हम जो लोग समझते हैं कि हमको किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा, पार्टी को वापस कैसे खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक है और आने वाले समय में कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीएम परिवर्तन की बात करें? नहीं, सीएम परिवर्तन नहीं, संगठन की बात, मैं कह रहा हूँ संगठन में आमूलचूल परिवर्तन देखने का। ये थे लालचंद कटारिया जी जो कि कृषि मंत्री हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में चूंकि कम्युनल जो परेशानी इन दिनों जो दिख रही है ये गलत है और इसमें सुधार भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऋण माफी की बात करें उस पर भी ये कह रहे हैं कि बराबर एक बैंकों की अगर बात करें तो उनमें ऋण माफी की कहीं ना कहीं समस्या सामने आई है, उसके लिए लेटर भी लिखे जा चुके हैं। के सिंह, A1 TV, बीकानेर।